तो दोस्तों अभी सब आ गए हैं, मेरे दोस्त लोग ये देख सकते हैं, यहाँ पर सब रेडी वेडी होके आ गए हैं। मिस्टर पप्पू प्रधान, डंगेश भोई, धुरिया धुरिया सब तैयार हो गए इन्हें, अरविंद हमने इसलिए छन कर दिया। चलो जी आओ आओ आओ, नाश्ता उसे करियो, आओगे यहाँ पे सब। हाओ शशि भाई, बड़े दिनों बाद, कैसे हाओ? वीडियो ले लागते का है? हाओ ये आपको और एक जबरदस्त चीज दिखाता हूँ, एक झलक इनका भी। तो बताइए बाली भैया, क्या हाल चाल? बढ़िया। एक आध शायरी हो जाए, क्या याद है अपने दोस्तों के लिए? दोस्तों के लिए शरबत है। एक शायरी? शायरी में गन्ना रस है। अच्छा, तो ये बाली महोदय, बाली बिहारी जिला बलिया, क्या बोलते हैं, अपना एड्रेस बता दीजिए। चलिए अच्छा, टुमीडी हो गया, लेकिन पहले नाम कोई पूछे तो कैसे बताते हैं? नाम कोई पूछे तो कैसे बताते थे, पहले बता दीजिए एक बार। बाली बलिया उत्तर प्रदेश, धरती का वीरों जवानों का देश, वहीं का है अंगूठा छाप बाली। चलिए ये देखिए बालिया। और एक आध को शायरी, शायरी एक आध को। अच्छा चलिए पी लीजिए। चलिए चलिए एक शायरी, फिर महाराज लोगों के पास जाएंगे। महाराज ने बना ला था मैं शायरी। हाँ चलिए आइए। ये पंडित जोहार महाराज, क्या हाल चाल? आराम से नाश्ता हो गया आपका? सीयू हो गया नाश्ता? चलिए ठीक है। कहाँ गया बलिया, कहाँ गया जी? ए चलाएगा। और नाम बता, तोर नाम, नाम नाम बता दे अपना। क्रिस। ये ऋतिक रोशन का। दोस्तों आज को एक नया मतलब चेहरा दिखाता हूँ, एक और जिनको मेरा ब्लॉग बहुत पसंद आया था, ये इनसे मिलिए, पप्पू प्रधान, तुमिडी के जाने माने बिजनेसमैन, गन्ना जूस पीते हुए नहीं गया। और ये बोले थे और नहीं बोले अभी तक, लायक नहीं खलायक हूँ मैं। अच्छा, इस प्यार के नहीं लायक हूँ मैं खलायक। दोस्तों उधर खाना वाना पूरा बन गया है, और यहाँ पर वीरेन और दीदी लोग, दीदी हो गया कि? तो आज का वीडियो जो है व्लॉग में आएगा, तो सब देखेंगे, गांव वाले सब देखेंगे, तो दो हाँ पूरा गांव भर देखेंगे, ये मजा आ जाएगा आज का व्लॉग में। तो लिट्टी बड़ा नहीं है ना जी आपका, छोटा लिट्टी है? हाँ हाँ हुआ है, हुआ है, ठीक है ठीक है, हुआ है। दिलीप जी अभी दिलीप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अपने फ्रेंड्स लोगों को? फ्रेंड्स लोगों की यही कहूँगा कि भारत अपने देश के हित में कार्य करो, और अपने हित में भी कार्य करो, और समाज को नुकसान ना पहुँचाओ। अच्छा। यही राष्ट्रभक्ति है, स्वामी विवेकानंद ने कहा। ठीक, वंदे मातरम। धन्यवाद। आज हम आए हैं जन्मोत्सव में, तो बच्चे के भविष्य के बारे में कुछ उज्जवल कामना के बारे में। हर माता पिता अपने बच्चे को बड़े आदमी बनाना चाहता है, लेकिन उसके जो भाग्य और कर्म में जो होते हैं, नीले आसमान वाला को कोई किसी ने नहीं देखा है। अच्छा। वो जो लिख दिए हैं या बोल दिए हैं, सिर्फ एहसास किया जाता है सांस के बरोबर भगवान को। अच्छा। तो वो जो कार्य करेंगे वो ही करेंगे, हम लोग तो उसके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हैं कि वो अच्छा इंसान बने। अच्छा। और अच्छा कार्य करें राष्ट्र हित के लिए, अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का इज्जत करें, यही राष्ट्रभक्ति है, और राष्ट्र से बड़ा अपना कुछ भी नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम। चलिए ठीक है, धन्यवाद। यहाँ पर जो है पत्तल डिस्पोजल ये लोग पकड़े हैं, फिर ये चावल पकड़े हैं, यहाँ से आपको दिखा रहा हूँ, ये चावल बांट रहे हैं दस आया हुए उधर वाली महाराज। बड़े दिनों बाद हमारे मित्र हीरा लाल भैया, अरे बड़े दिनों बाद, बताओ तो कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलिए सर। और ये बाली महोदय यहाँ पर चावल वितरण करते हुए। जाओ जाओ भाचा, जाओ
बाजा का भी व्यवस्था किया गया है, बाकी गाना चलाते हुए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, क्या है कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, तो इसीलिए होटल भी आ गए यहाँ पे और ये लोग यहाँ से वितरण एक एक सेट भेजते जा रहे हैं। अरे पंडित जी महाराज, ए महाराज इधर देखो, सलाद एक सेट नहीं धरी ज्योति, सलाद लेके जाओ जी उधर, हाँ अंदर सेट। यहाँ पे निर्मल जी आ गए हैं, आइए निर्मल जी, BCCI अध्यक्ष हमारे, ओ क्या बोलते हैं TMD, ले ये हमारे क्या बोलते हैं BCCI अध्यक्ष, जो अपना TPL चलता है उसी के अध्यक्ष है, क्रिकेट के हेड। तो सुनिए 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 BCCI अध्यक्ष कुछ बोलना चाहेंगे क्या? अच्छा गायब हो जा रहे हैं। यहाँ पे खाना खाने बैठाए हैं, पानी पाउच आ थे, तो अध्यक्ष महोदय क्या हाल चाल? पानी पानी पीना।